गुड मॉर्निंग। सो अमेजोन सीरीज का आज हमारा सेकंड वीडियो है, और अमेजोन फोल्डर के अंदर जाके आप राइट क्लिक करके गिट बैश हियर किया, और आप अपना प्रोजेक्ट जो है गिट बैश जो वीएस कोड है उसके अंदर आप ओपन कर ले। उसके लिए आपको कोड डॉट करके कमांड रन करना है, और साथ साथ जो है आपको फोटोशॉप भी ओपन करना है बेसिकली। तो फोटोशॉप ओपन करके डबल क्लिक आपको करना है, या डबल क्लिक आप नहीं करें तो फोटोशॉप में जाके आपको फाइल में जाके ओपन, एंड यहाँ से जो आपका जो टेम्पलेट है अमेजोन वाला, जो हमारा डी ड्राइव के अंदर अमेजोन और अमेजोन्स के जो हैं हम टेम्पलेट्स भी ओपन करेंगे डेफिनेटली। तो फोटोशॉप आप ओपन रहने दें, इसको मिनिमाइज कर दें, और गूगल क्रोम आप स्टार्ट करें, और यहाँ जाके आपको amazon.in या amazon.com, जिस भी कंट्री में आप हैं तो उसका जो TLD है उसका प्रीफिक्स वाला वो वेबसाइट आप ओपन करें। तो जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो amazon.au करके कंट्री स्पेसिफिक TLD होते हैं, तो ये अमेजोन का जो हमारी कंट्री में चलता है वो इंडिया है बेसिकली। तो amazon.in करके मैं ओपन करूंगा, और इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्क्रॉल बटन है इस स्क्रॉल को एक बार टॉप से लेके बॉटम तक इसको अप एंड डाउन करना है ना। ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि जो कंटेंट है वो प्रॉपरली लोड हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि स्क्रॉल करते करते नीचे बॉटम में कंटेंट डायनेमिकली लोड होते रहते हैं, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो कंटेंट लोड होते रहते हैं। तो आपको ये करना है, एक बार धीरे धीरे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ऐसे आपको करना है ताकि कोई कंटेंट अगर लोड हो रहा होगा तो वो प्रॉपरली लोड हो जाएगा। ये लोड होने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये हो गया पूरा। उसके बाद आप यहाँ पर जो है इसका एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर एक एक्सटेंशन आता है, फुल पेज स्क्रीनशॉट। तो ये एक्सटेंशन एक्चुअल में गूगल क्रोम एक्सटेंशन है। फर्स्ट टाइम आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं अवेलेबल होता है तो इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कैसे करते हैं, उसके लिए आपको जाना है गूगल पर जाना है, और google.com पर गए और गूगल क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पर लिखना है, गूगल क्रोम फुल पेज स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन आपको लिखना है। आपको लिखना है गूगल क्रोम फुल पेज स्क्रीनशॉट लिखना है, और इसका जो ये सेकंड लिंक है, फर्स्ट लिंक में आप देख लेना गो फुल पेज करके एक एक्सटेंशन वाला आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये एक्सटेंशन वाला पेज ओपन होगा, और यहाँ पर जो है इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। अभी मेरे इसमें रिमूव क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है इसलिए रिमूव आ रहा है। आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके केस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा, इंस्टॉल लिखा होगा। तो आप उस इंस्टॉल बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होके ये आइकन यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब जाके मैं इस एक्सटेंशन को जो है मैं इस पे एक बार क्लिक करूंगा। आप देखिए क्लिक करके आपको छोड़ देना है माउस, और ये धीरे धीरे क्या करेगा, टॉप टू बॉटम जो है ये पूरे हमारे वेब पेज का स्क्रीनशॉट ले लेगा, और उस स्क्रीनशॉट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। ये सेव करने के बाद आप जाइएगा शो इन फोल्डर पर, ये मैंने शो इन फोल्डर पर गया, और यहाँ से ये जो स्क्रीनशॉट है ये आप कट कर लेना। इसको डी ड्राइव में जाके आपका जहाँ प्रोजेक्ट फोल्डर है, ये हमारा अमेजोन नाम का प्रोजेक्ट फोल्डर मैंने यहाँ पर बना रखा है, और यहाँ जाके आपको एक फोल्डर बनाना है, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, और इस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स में जाके आप पेस्ट कर दो इसको, क्योंकि ये टेम्पलेट है हमारे, और इन्हीं टेम्पलेट को देख देख के हम पूरा डिजाइन करना सीखेंगे रिएक्ट के अंदर, और रिएक्ट के अंदर हम बेसिकली बूटस्ट्रैप और ये टेक्नोलॉजीज भी हम धीरे धीरे यूज करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ रखो, उसके बाद इसको रीनेम करके इसको नाम दे दो होम डॉट पीएनजी, क्योंकि ये हमारा जो स्क्रीनशॉट है ना होम पेज का है। होम पेज मतलब इंडेक्स पेज, जो वेब एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज होता है वो इंडेक्स पेज कहलाता है, होम पेज कहलाता है। तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया, होम डॉट PNG। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि होम पेज हो गया। अब एक ई कॉमर्स वेबसाइट में होम पेज के अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे ये लैपटॉप परचेस करना है, तो मैं क्या क्लिक करूंगा, इस लैपटॉप पे मुझे क्लिक करना होगा, और क्लिक करते ही ये पेज जो आ रहा है ये फिल्टर पेज है। तो अगेन मुझे एक फिल्टर पेज की भी जरूरत पड़ेगी। फिल्टर मतलब आपको कौन सी कंपनी का लैपटॉप लेना है, आपको कौन सा जनरेशन का लैपटॉप लेना है, क्या रैम स्पेसिफिकेशन होगी, हार्ड डिस्क क्या होगी, तो ऐसे फिल्टर्स ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके पास।
है ना, इसे फिल्टरिंग करने के लिए। तो हमारे पास एक फिल्टर पेज भी होना चाहिए, या हर एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में फिल्टर पेज होता है, सर्च पेज होता है। सो डेफिनेटली इस सर्च पेज को भी मुझे लेना पड़ेगा, तो इस सर्च पेज का भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सो ये देखिए, ये वन बाय वन स्क्रीनशॉट ले रहा है, तो ये स्क्रीनशॉट लिया और इस स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ से सेव करूंगा। और सेव करने के बाद ये देखो, यहाँ पर हम गए शो इन फोल्डर, यहाँ से मैंने कट किया और वापस से डी ड्राइव पे गए, अमेजोन पर गए और टेम्पलेट्स के अंदर जाके मैंने पेस्ट कर दिया। और इसको भी रीनेम कर दूंगा किस नाम से, सर्च डॉट पीएनजी। ठीक है, चलो दूसरा पेज भी हो गया हमारा। अब जाके हम एक स्पेसिफिक पेज लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बहुत सारे लैपटॉप है और इसमें से किसी एक लैपटॉप को आपने चूज कर लिया है कि मुझे ये लैपटॉप परचेस करना है, तो फाइनली आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब जो पेज ओपन होता है उसमें सिर्फ उसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है और दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो ऐसा पेज कहलाता है डिटेल पेज। ठीक है, तो डिटेल पेज में सिर्फ उसी पेज के बारे में जानकारी होती है। देखिए इस पेज पर मोस्टली इसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, बट ये टॉप पर है और जैसे नीचे आते हुए हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की भी डिटेल्स आ जाती है। ठीक है ना, तो डिटेल पेज पे टॉप पे क्या होता है, प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है और जैसे आप नीचे जाते हो तो थोड़े रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली ये हमारा डिटेल पेज है और डिटेल पेज का भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बार आप इस स्क्रॉल को धीरे धीरे टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप एक बार स्क्रॉल कर ले, इन केस कभी चीजें डायनेमिक लोड हो रही हो तो प्रॉपरली लोड हो जाए। और एक बार लोड हो गई तो आप आसानी से फिर क्या कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं वापस से इस बटन पे क्लिक करूंगा और इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीनशॉट लेगा। अब इस पेज को मैं नाम क्या दूंगा, डिटेल डॉट पीएनजी, है ना। तो हम वेट करते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले रहा है यहां पर। ठीक है, ये पेज का पूरा का स्क्रीनशॉट ले लिया इसने और इसको मैं सेव करता हूं और यहां पर गए शो इन फोल्डर और यहां से मैं इसको कट कर लेता हूं। आप राइट क्लिक करके कट कर लेना, इसको कट कर लिया, वापस आप चले जाएं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, आपने बना रखा है डी के अंदर, अमेजोन के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर, यहाँ जाके आप पेस्ट कर लें। अब पेस्ट करते ही ये देखिए लंबा चौड़ा इसका नाम आ रहा है, इसको थोड़ा रीनेम करके मीनिंगफुल बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं डिटेल डॉट PNG। तो देखो होम डॉट पीएनजी, सर्च डॉट पीएनजी, डिटेल डॉट पीएनजी। तो हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट में कुछ पेजेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट ले हो, अमेजोन ले हो, स्नैपडील ले हो, मिंत्रा ले हो, या कोई सी भी ई कॉमर्स ले होगे ना, तो उसमें कम से कम चार पांच पेजेस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो उसमें से कौन कौन से हो गए, होम पेज हो गया, सर्च पेज हो गया, डिटेल पेज हो गया। और आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से पेजेस होते हैं हमारे पास। तो ये डिटेल पेज हो गया, डिटेल पेज के बाद आता है हमारा कार्ट पेज, कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको प्रोडक्ट ये परचेस करना है, आपने चीजें देखी, इसकी स्पेसिफिकेशन देखा, आपने डिसाइड कर लिया, तो आप किस पे क्लिक करते हैं, फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक मॉडल आया है, ये राइट टू लेफ्ट की ओर एक मॉडल अपियर हुआ है, तो इस मॉडल को हम बाद में बनाएंगे। और यहां से मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ और बाय नाउ पे क्लिक करते ही ये इस तरीके से आ रहा है, हमारा साइन इन पेज आ रहा है। सो डेफिनेटली ये पेज भी हमें चाहिए होगा, तो इसको भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हर एक वो पेज जो आपको चाहिए कि नहीं ये बनाना है, एज इट इज बनाना है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले ले हुए। सो यहाँ पर जाके मैं इसको जो है साइन इन कर लेता हूँ। सो शो इन फोल्डर, और इसको यहाँ से कट किया और इस पेज को मैं क्या बोलूंगा, साइन इन डॉट पीएनजी। सो टेम्पलेट्स में गए, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पर जो है साइन इन डॉट PNG, ये पेज भी मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब जाके यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं, गेट एन ओटीपी और देखते हैं कि ओटीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो मोबाइल फोन के अंदर मैं देखता हूँ ओटीपी आया कि नहीं आया। यस, एक ओटीपी आ गया है और वो ओटीपी मैं फीड कर रहा हूँ, 8792925 3, ये ओटीपी आया और मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। सो मेरा ओटीपी आया। अब आप देखिए कि जब मैंने बाय नाउ बटन पे क्लिक किया था तो कंडीशंस हुई, या तो मैं लॉगिन अगर नहीं किया हुआ हूँ तो साइन अप पेज बता दे, अगर ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ हूँ तो इस पेज पर वो जनरेट हो जाए। तो ये एक डिफरेंट पेज है,
सो इस डिफरेंट पेज को भी मैं क्या करता हूं, ये देखिए थोड़ा सा मैं टॉप टू बॉटम स्क्रॉल करके बता दूं तो एक डिटेल पेज में ये इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इसका भी मैं क्या कर लूं, एक स्क्रीनशॉट निकाल दूं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डिटेल पेज आ गया है और इसको मैं यहां से सेव कर देता हूं, और सेव करने के बाद शो इन फोल्डर, और इसको यहां से मैंने कट किया, डी ड्राइव पर गए, अमेजोन पे गए, टेम्पलेट्स में गए, पेस्ट किया, और इसको जो है यहां से हम बोलेंगे चेकआउट डॉट पीएनजी। सो ये पेज हमारा क्या हो गया, चेकआउट पेज हो जाएगा। ठीक है, सो ये चेकआउट पेज हो गया। सो होम पेज पे जाते हैं डेफिनेटली, ये देखिए हमारा होम पेज है। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा डिजाइनिंग करना बेसिकली। सो फोटोशॉप हमने ओपन किया, सबसे पहले हम शुरुआत किस पेज से करेंगे, फर्स्ट पेज जो कि हमारा इंडेक्स पेज है जिसको आप होम पेज के नाम से भी जानते हैं। फोटोशॉप ओपन करना है, ये जो ग्रे स्क्रीन है इस पे एक बार आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप अपने अमेजोन फोल्डर में आप जाइएगा। सो यहाँ पर मैं अमेजोन फोल्डर में गया, मेरे टेम्पलेट्स फोल्डर में गया, और यहाँ से जो है मैं होम डॉट पीएनजी वाले पेज को ओपन करूंगा। ठीक है, सो ये मैंने ओपन किया। अब ओपन करने के बाद आप अपना माउस व्हील जो है वो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना है एडिट ऑप्शन के अंदर, एडिट के अंदर आप प्रेफरेंसेस में जाना, और यहाँ लास्ट ही लास्ट में आपको कहाँ जाना है, जनरल के अंदर। और यहाँ से जैसे ही जनरल में जाओगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जूम विथ स्क्रॉल व्हील, इस बटन इस ऑप्शन को ध्यान देना, जूम विथ स्क्रॉल व्हील, इसको आपको क्या करना है, टिक करना है। इसके टिक करने से होगा क्या, उसके टिक करने से क्या होगा, जैसे ही आप अपने माउस का जो स्क्रॉल है सेंटर वाला स्क्रॉल है, अगर ये सेंटर वाला स्क्रॉल आप घुमाओगे, ये स्क्रॉल को घुमाओगे तो वो क्या होगा, जूम इन होगा, और वापस उस स्क्रॉल को रिवर्स आप उसको रोल करोगे तो जूम आउट होगा। तो एक प्रकार से ये बहुत हैंडी होता है, बहुत आसान होता है आपके लिए जूम इन जूम आउट करना। तो पहला तरीका हो गया कि फोटोशॉप में अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो डेफिनेटली आप उस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस, जनरल में जाके, और आप क्या टिक कर सकते हैं, जूम विद स्क्रॉल व्हील को टिक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि इसको जूम इन और जूम आउट करने के लिए फोटोशॉप में आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करके क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं। क्लिक और ड्रैग किया, ड्रैग करना है आपको, क्लिक एंड ड्रैग। सो इस तरीके से आपको ड्रैग करना है। उसके बाद आप पैन कर सकते हैं, पैन करने के लिए आपको स्पेस प्रेस करना है, और स्पेस प्रेस करने के बाद क्लिक एंड ड्रैग करना है। तो ये स्पेस के लिए क्लिक एंड ड्रैग होता है। इसमें से कुछ पैनल में आपको बता दूं, जैसे ये नेविगेटर पैनल है, ये नेविगेटर पैनल से भी आप यहाँ पर इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप फोटोशॉप इंस्टॉल कर रहे हो तो ये नेविगेटर पैनल नहीं आएगा, ये लाना पड़ता है। ये कैसे लाना पड़ता है, उसके लिए आपको विंडोज में जाना पड़ेगा और यहाँ से नेविगेटर मेन्यू को ऑन करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट नेविगेटर मेन्यू एक्टिव नहीं होता है, आपको लाना पड़ता है। कैसे लाएंगे, विंडोज में जाके नेविगेटर पर आपको क्लिक करना है और ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये नेविगेटर विंडो कुछ इस तरीके से बाहर की ओर फ्लोट कर रहा है तो आप फ्लोट किए हुए विंडो को क्लिक करके आप कहीं पे भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, आपको लोकेशन समझ में नहीं आ रही हो तो आप उसको कहीं पे भी आप उसको फिक्स कर सकते हो इस मेन्यू को। सो मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया, तो ये मेरा नेविगेटर विंडो है। दूसरा ऑप्शन जो है फोटोशॉप के अंदर, आपको जो है फोटोशॉप हम पहली बात तो हम यूज क्यों कर रहे हैं, है ना। तो फोटोशॉप हमें यूज इसलिए करना है क्योंकि हमें लेआउट्स के डायमेंशन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। हम जो वेबसाइट्स बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया बनाएंगे, मेन्यूज बनाएंगे, हेडर बनाएंगे, फुटर बनाएंगे, तो जो जो भी एलिमेंट्स हम बनाएंगे उनकी कितनी विड्थ लेनी है, कितनी हाइट लेनी है, ये सारे डायमेंशंस हमें फोटोशॉप की मदद से पता चलेंगे। तो फोटोशॉप आपने ओपन किया, लेआउट इंपोर्ट किया, उसके बाद नेविगेटर इंपोर्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आप एक देखिएगा, एक स्क्वायर होगा आपके लेफ्ट कॉर्नर पर जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इस मार्क्यू टूल पे आपको क्लिक करना है और क्लिक और ड्रैग करना है आपको। ठीक है, क्लिक और ड्रैग करने से आप देखिएगा W और H लिखा हुआ है। W का मतलब होता है विड्थ और H का मतलब होता है हाइट। विड्थ और हाइट कितना लेना है ये आपको फोटोशॉप बताएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम फोटोशॉप आप कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो स्केल है, यहाँ पर फोटोशॉप की एक स्केल आती है, वो स्केल नहीं होगी। उस स्केल को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल आर प्रेस करना पड़ेगा।
कंट्रोल आर का मतलब, आर का मतलब हो गया रूलर, रूलर का मतलब हो गया स्केल। तो आपको स्केल, फोटोशॉप की स्केल को ऑन करना पड़ेगा, वो कंट्रोल आर से प्रेस करोगे। कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो स्केल आ जाएगी, कंट्रोल आर प्रेस वापस से करोगे तो स्केल चली जाएगी। सो कंट्रोल आर प्रेस किया, स्केल आ गई, और इनिशियली उस स्केल की यूनिट किस में होती है, इंचेस में होती है। सो मैं आपको बता दूं, आप फर्स्ट टाइम अगर फोटोशॉप आपने इंस्टॉल किया है अपने लैपटॉप में, तो आपके पास स्केल जो आएगी उसकी डिफॉल्ट यूनिट क्या होगी, इंचेस होगी। उस डिफॉल्ट यूनिट को आपको क्या करना पड़ेगा, पिक्सल करना पड़ेगा। कैसे किया मैंने, तो ये आप कंट्रोल, पहले तो आप इनिशियली स्केल नहीं होगी, आपको कंट्रोल आर प्रेस करना है, आपकी स्केल आ जाएगी। उस स्केल पर आपको माउस ले जाना है स्केल के ऊपर, और आप अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा उस स्केल की यूनिट सेट करने के लिए। तो आपको हमेशा यूनिट क्या रखनी है, पिक्सल यूनिट को सेट रखना है, ताकि आप पिक्सल्स में काम कर सकें। जब भी हम ग्राफिक्स में काम करते हैं तो हमारी वर्किंग यूनिट क्या होती है, पिक्सल होती है, न कि इंचेस। सो आपको पिक्सल्स को एक्टिवेट करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है राइट क्लिक करके पिक्सल्स को एक्टिवेट कर दिया। अब मैं है कंट्रोल और स्पेस प्रेस करके थोड़ा सा जूम इन करूंगा, और कंट्रोल प्लस और माइनस से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो, स्पेस से आप पैन कर सकते हो, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूं, और आपकी जो वेबसाइट्स हैं उसके डायमेंशन मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये हमारा हेडर है, ठीक है। सो ये हेडर है, अब ये हेडर आ रहा है, ये हेडर कितना है, इसके डायमेंशन की इंफॉर्मेशन आपको इन्फो पैनल पे मिलेगी। तो अगेन ये इन्फो पैनल बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, अगर इन्फो पैनल आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो वापस से आपको विंडोज में जाके यहाँ पर इन्फो पैनल लाना पड़ेगा। सो ये इन्फो पैनल, इसको आप शॉर्टकट F8 से भी ला सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्टली विंडोज में जाइए और इन्फो पैनल पर क्लिक कीजिए। ये इन्फो पैनल इस तरीके से फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, तो आप इसको प्रॉपर एक कहीं पर प्लेस कर दें। तो मैंने इसको प्रॉपर ये यहाँ पर प्लेस कर दिया इन्फो पैनल को। अब जो है आप मार्केट टूल पे जाएंगे और किसी भी एलिमेंट का आपको डायमेंशन पता करना है, जैसे कि मेरी वेबसाइट का हेडर का डायमेंशन पता करना है, तो मैंने हेडर को सिलेक्ट किया, और आप इन्फो पैनल पे देखिएगा कि वो W और H मुझे दिखाई दे रहे हैं। W का मतलब हो गया विड्थ और H का मतलब हो गया हाइट। तो मेरी विड्थ क्या है, 1366 पिक्सल्स, और हाइट कितनी लेनी है, 99 पिक्सल। तो सबसे पहला काम ये है कि आप अपना जो है टेम्पलेट ओपन करें, प्रोजेक्ट ओपन करें, प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करें, और वहां पर आपने एक इंस्ट्रक्शन फाइल बना रखी होगी। गलती से मैंने इसको instruction.js दे दिया है, मगर ये जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं है, ये सिंपल सी एक टेक्स्ट फाइल है, इसलिए आप इसको क्या नाम देवे, instruction.txt। इस फाइल को आप ओपन कर लें, इस इंस्ट्रक्शन फाइल में आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर लास्ट में मैं जाके डायमेंशंस के बारे में यहाँ पर लिखूंगा कि डायमेंशन मेरा होम पेज डायमेंशंस, ठीक है ना। सो होम पेज डायमेंशन, सो हमारे होम पेज के जनरली जो है, जो हमारा होम पेज है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कोई भी वेबसाइट होती है तो जनरली उसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, हेडर होता है, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है, वो फुटर होता है, और तीसरा पार्ट कौन सा होता है, हेडर और फुटर के बीच वाला जो एरिया होता है वो मेन पार्ट होता है। सो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के जो तीन पार्ट हैं उनके डायमेंशन हमें पता करने पड़ेंगे फिक्स पिक्सल में, कि भाई हेडर कितने बाय कितने का है, मेन कितने बाय कितने का है, फुटर कितने बाय कितने पिक्सल्स का है, वो सारे डायमेंशन आपको यहाँ पर जो है पता करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हेडर, फिर मैंने लिखा फुटर, और उसके बाद मैंने लिखा मेन। सो यहाँ पर आप गए और हेडर के आप डायमेंशन आप देख लेना कि हेडर के क्या डायमेंशन है। अभी अभी मैंने क्या किया है, फोटोशॉप से वापस से आप जाइएगा और हेडर का को सिलेक्ट करें, प्रॉपरली प्रिसाइसली आप सिलेक्ट करें, और आप ये देखिए 1366 बाय 99 आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये डायमेंशन मैंने लिख दिया 1366 बाय 99, है ना। तो ये डायमेंशन मैंने यहाँ पर हेडर के सामने लिख दिए, ताकि आप जब आप कोड करेंगे ना, तब आप इस फाइल को देख के आप डायमेंशन पढ़ लेंगे, भैया इतने बाय इतने का लेना है। तो अब जाके हम मेन का देखेंगे कि मेन का डायमेंशन क्या है। मेन से पहले हम फुटर का डायमेंशन ले लेते हैं, तो फुटर तो लास्ट ही लास्ट में है, तो ये लास्ट ही लास्ट में गया, थोड़ा सा जूम किया मैंने, ये लो मैंने जूम किया, थोड़ा सा पैन किया, थोड़ा सा जूम किया, ठीक है, और कंट्रोल माइनस करके भी आप जूम आउट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर
ये हमारा फुटर है, यहां से यहां तक का है फुटर, तो इस फुटर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हमेशा ये ध्यान रखना है विड्थ तो बढ़ेगी नहीं, अगर हेडर की विड्थ 1366 है तो फुटर की भी उतनी के उतनी होगी और मेन की भी उतनी की, तो विड्थ में तो कोई टेंशन नहीं, विड्थ तो फिक्स है 1366 हमें पिक्सल लेना है। हाइट में जो है इसकी जो हाइट है वो थोड़ा वेरी करेगा सबका, तो फुटर का हाइट अभी कितना आ रहा है 227 आ रहा है, 227 इसका जो है हाइट आ रहा है किसका फुटर का। सो मैं इसके फुटर के सामने भी 1366 बाय 227 मैंने पिक्सल्स ले लिए। अब आप अपना मेन की बात करें तो मेन में भी हाइट तो क्या होगा, विड्थ तो क्या होगा 1366 होगा, और मेन की जो हाइट है वो हमें यहाँ से पता चलेगी कि मेन जो है हमें बेसिकली कितना लेना पड़ेगा। सो मेन एरिया कहाँ से चालू होता है, हेडर के जहां हेडर आपका खत्म हो रहा है वहां से चालू होता है, और फुटर जहां स्टार्ट हो रहा है वहां तक खत्म होता है। सो देखिए ये पूरा मैंने मार्क्यू टूल से जो है सिलेक्ट किया हुआ था। अब 4814 इसकी हाइट आ रही है, मगर विड्थ आप देखिए अगेन 1366 है, तो विड्थ तो फिक्स है ही सही, विड्थ तो सबकी फिक्स है मगर हाइट सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो आपको मेन की हाइट भी आपको पता कर लेनी है जो कि अभी के केस में आ रही है 4818। So, यहां पर हम गए और यहां पर मैंने लिखा 4818, ये मैंने लिखा और ये मेरे डाइमेंशंस हो गए हैं। अब आप जाइए अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, आपने वीएस कोड स्टार्ट कर ही रखा है, टर्मिनल आप स्टार्ट करें। अब देखिए वीएस कोड आपने जो स्टार्ट कर रखा है वो बाहर वाले फोल्डर से स्टार्ट कर रखा है, आपको अमेजोन के अंदर अमेजोन फोल्डर है तो आपको अंदर वाले अमेजोन फोल्डर में जाना है, क्योंकि आपका जो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है वो अंदर वाले अमेजोन फोल्डर में, तो आपको यहां पर जो है अगेन सीडी स्पेस अमेजोन करना पड़ेगा। ठीक है, सीडी स्पेस अमेजोन किया एंड देन आप फर्स्ट टाइम आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको कमांड चलाना है npm स्टार्ट। जैसे ही आप npm स्टार्ट करेंगे तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट डिफॉल्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर आप देखिए ये हमारा फर्स्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। अब एक दिन वो भी आएगा जब हम npm स्टार्ट करेंगे तो हमें ये दिखाई देगा, आज हमारा फर्स्ट डे है हमने npm स्टार्ट किया है, तो एक 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 न्यूक्लियस टाइप से हमें दिख रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस ऐसे रोटेट होते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने रिएक्ट का लोगो है तो वैसा इन्होंने कुछ बना रखा है, तो ऐसा न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हमारा फर्स्ट डे है, मगर जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होगा तो ऑलमोस्ट आपको npm स्टार्ट करोगे तो ये दिखाई देगा जो हम अभी देख रहे हैं बेसिकली। सो स्टार्ट करते हैं, तो मैंने आपको जो है बताया था कि हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप हम देखते हैं। सो बूटस्ट्रैप हम गए और सबसे पहला काम तो ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्टार्ट करनी है। सो ऑफिशियल वेबसाइट हमारी क्या है, getbootstrap.com। सो इस URL को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हमारी जो इंस्ट्रक्शन फाइल है वहां पर कहीं ना कहीं में जो है पेस्ट कर देता हूँ, getbootstrap.com। ठीक है, सो जो हमारा बूटस्ट्रैप है उसके अभी तक बहुत सारे वर्जन आए हैं, जो करंट वर्जन चल रहा है वो हमारा 5 चल रहा है, 5 से पहले 4 था, 4 से पहले 3 था, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आए हैं। हम जो स्टडी करेंगे बूटस्ट्रैप 5 यूज करेंगे। सो यहाँ पर आप गए और आप ये यहाँ से इसके वर्जन भी देख सकते हैं, आई थिंक ये देखिए ये वर्जन आ रहा है कि करंट वर्जन अभी 5.0.1 आ रहा है। सो बूटस्ट्रैप जो है उसके बारे में हम देखते हैं, quickly design and customize responsive mobile first site with bootstrap, the world most popular front end open source toolkit featuring SAS variable mix and responsive grid systems। ठीक है, तो जो हमारा bootstrap है वो एक ऐसा हमारा framework है जिसके through हम क्या बना सकते हैं, responsive websites बना सकते हैं। तो आज की जनरेशन में क्या है कि जो जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है वो बहुत वैरायटी के आ गए हैं, मोबाइल फोन एक स्क्रीन रिजोल्यूशन है बट छोटी साइज का है,
इससे बड़े क्या होते हैं टैबलेट फोन्स होते हैं, इससे बड़े क्या होते हैं लैपटॉप्स होते हैं, इससे भी बड़ी साइज क्या होती है डेस्कटॉप मॉनिटर्स की होती है, उससे भी बड़ी साइज क्या होती है एलईडी टीवीज हो गए, आजकल तो एलईडी टीवीज में भी कोड करते हैं आउटपुट देखते हैं। तो आज की जनरेशन में 2021 में वाइड वेराइटीज ऑफ स्क्रीन डिवाइसेज हो गए, मगर आज से 10 साल पहले 20 साल पहले इतने डिवाइसेज थे ही नहीं। सिंपल सा एक डेस्कटॉप हुआ करता था, लैपटॉप भी नहीं होते थे ऑलमोस्ट, डेस्कटॉप हुआ करता था वो भी एक फिक्स रेजोल्यूशन के होते थे, तो उस समय इतने चैलेंजेस नहीं थे। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नए नए डिवाइसेज आते गए, नई नई रेजोल्यूशन आती गई, तो एक रिक्वायरमेंट बन गई कि ऐसा कोई फ्रेमवर्क बनाया जा सके जिससे कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो हर लेआउट्स पर, हर स्क्रीन रेजोल्यूशन पर अच्छी तरीके से वो वेबसाइट्स फ्लेक्सिबल काम करें। अगर छोटे डिवाइस पर आप अपना आउटपुट देख रहे हैं तो आपकी वेबसाइट उस हिसाब से फिक्स हो जाए, आप अगर बड़े स्क्रीन पर अगर आप अपना आउटपुट देख रहे हो तो आपकी वेबसाइट जो भी आपने बनाई है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए, तो ऐसा कोई फ्रेमवर्क चाहिए था। तो बेसिकली ट्विटर जो वेबसाइट है, तो जो ट्विटर के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इसको बनाया है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को। सो ट्विटर एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, ठीक है, तो ट्विटर के डेवलपर्स ने बूटस्ट्रैप को बनाया है, ये आप थोड़ा सा हिस्ट्री आप जान लीजिएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि जो बूटस्ट्रैप है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के काम आता है। एक शॉर्ट फॉर्म, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि आप जो है बूटस्ट्रैप के थ्रू रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो ये रिएक्ट प्रोजेक्ट था और इसमें हम गए एसआरसी फोल्डर के अंदर, और यहां से आपको जाना है पब्लिक के अंदर और index.html के अंदर हम गए, और ये आउटपुट आप देखिएगा यहां पर। तो यहां से मैं रिएक्ट भी स्टार्ट कर लेता हूं, आप WTC स्कूल्स का ओपन करें और ट्यूटोरियल्स में जाएं, और आप यहां पर लर्न रिएक्ट वाला सेक्शंस पर आप जाएं। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस आपको दिए थे रिएक्ट के बारे में, कि रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि यूआई बनाने के काम आती है। रिएक्ट की मदद से आप क्या बना सकते हैं, स्पा एप्लीकेशन बना सकते हैं। स्पा का मतलब हो गया SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आपके सिर्फ एक ही पेज आप पर आप काम करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन आप बनाते हैं। अब जैसे कि आप बोलेंगे कि सर ये अमेजोन में अभी तो आपने स्क्रीनशॉट कम से कम नहीं करते करते आपने अभी 5 स्क्रीनशॉट ले लिए, तो 5 पेजेस तो बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, मगर हम जो फ्रेमवर्क यूज करेंगे रिएक्ट उसमें सिर्फ एक ही पेज ऐसा होता है जो कि लोड होता है फर्स्ट टाइम, और उस पेज के अंदर डायनेमिकली एलिमेंट्स प्लेस होते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम दूसरे पेज पर आ गए, बट आप एक्चुअल में दूसरे पेज पर आते नहीं हो, उस सिंगल फर्स्ट जो पेज होता है ना उसी के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो लोड होते रहते हैं। तो जब वो फर्स्ट पेज कौन सा होता है, वो फर्स्ट पेज वही होता है जो कि आपको अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया ये एक ये फ्लावर जैसा एनिमेट होने लग गया और यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है, तो यही वो फर्स्ट पेज है जिसके अंदर आपके कंटेंट बार बार लोड होंगे, ठीक है ना। तो अब अगला पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि रिएक्ट के बारे में, रिएक्ट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि वो वर्चुअल मेमोरी यूज करता है, ठीक है। सो रिएक्ट क्रिएट अ वर्चुअल डॉम, तो डॉम का मतलब क्या हो गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो यहां पर रिएक्ट के अंदर गए और हम डॉम के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज नथिंग बट योर HTML कोड। सो जो भी आप HTML कोड आपको दिखाई देगा, जैसे मैंने ये पेज पर गया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट पर गए, और जो भी HTML का कोड होता है, देखो ये HTML का स्टार्ट, HTML का कोड, बॉडी का स्टार्ट, बॉडी का क्लोज, और जो भी आपको HTML का कोड दिखाई देता है दैट इज योर डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो जो डॉम होता है रिएक्ट आपके वर्चुअल डॉम पे काम करता है। तो दो प्रकार के डॉम होते हैं, एक तो आपका होता है रियल डॉम जो कि आपको अभी दिखाई दे रहा है। रियल डॉम देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पेज पर जाना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पर जाना है, और एलिमेंट्स में जाके आपको जो भी आपको HTML का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, रियल डॉम है, ठीक है।
और रिएक्ट क्या करता है, इसी रियल डॉम का एग्जैक्ट एक क्लोन बनाता है और उसको कहां पर रख देता है, आपके लैपटॉप सिस्टम की मेमोरी के अंदर वो रख देता है। और रिएक्ट हमेशा किस पर काम करता है, वर्चुअल डॉम पे काम करता है। रिएक्ट को कुछ भी चेंज करना है तो वो कहां चेंज करता है, पहले वो वर्चुअल डॉम पे, वो रैम में पड़े हुए डॉम पे चेंज करता है। और रिएक्ट कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि जैसे ही वर्चुअल डॉम में कुछ भी चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे रियल डॉम पर। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि मान लीजिए यहां पर मुझे कुछ भी चेंज करना है, जैसे कि यहां पर मैं गया और मुझे टाइटल चेंज करना है, जैसे ये रिएक्ट ऐप मैंने किया, अब मुझे यहाँ पर Amazon लिखना है, Amazon लिखा, तो ये जाके मैंने क्या किया, ये रियल डॉम पे जाके मैंने चेंज कर दिया। रिएक्ट ऐसा कभी नहीं करता है, रिएक्ट हमेशा क्या करता है, वो बिल्ट इन जो वर्चुअल डॉम है वहां जाके चेंज करता है और देन इनडायरेक्टली वो रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, रियल डॉम पे होता है। तो ये मोटा मोटा मैं आपको जो है ब्रीफली एक बता दूं कि रिएक्ट इस तरीके से काम करता है। अब वो कैसे काम करता है ये सारा डिटेल्स में जानने की हमें जरूरत नहीं है, बियॉन्ड द स्कोप है, क्योंकि नहीं हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई रिएक्ट क्या है, रिएक्ट हमारा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि यूआई बनाने के काम आता है, पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, रिएक्ट जो है वो आपके वर्चुअल मेमोरी पे काम करता है, ठीक है ना, वर्चुअल डॉम पर काम करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया अभी के जो वर्चुअल डॉम पे काम करता है, और जो है आपके रिएक्ट के थ्रू आप क्या बना सकते हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, तो मार्केट में अभी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए मार्केट में सिर्फ कुछ ही गिने चुने फ्रेमवर्क्स हैं जिनका कंपटीशन चल रहा है। ऐसे गिने चुने ही कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि क्या बनाते हैं, स्पा बनाते हैं, है ना। सो स्पा मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के जावास्क्रिप्ट के ही ऐसे कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं, तो रिएक्ट है, रिएक्ट फेसबुक ने बनाया, एंगुलर गूगल ने बनाया, Vue.js ये इंडिविजुअल डेवलपर्स ने बनाया, Next.js ये भी किसी ने बनाया, मगर इन सब में से जो आज की तारीख में सबसे पॉपुलर अगर हम बात करें तो वो रिएक्ट ही है। ठीक है ना, तो रिएक्ट ही हम स्टडी कर रहे हैं। और अगर आप रिएक्ट, अगर एक सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो बाकी आप सारे आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि सबका वर्किंग करने का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा बहुत सिंटेक्स चेंज हो जाता है बट होता सिंगल पेज एप्लीकेशन ही है। ठीक है ना, तो हम रिएक्ट स्टडी कर रहे हैं। तो थ्री पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट रिएक्ट। द फर्स्ट पॉइंट, रिएक्ट इज अ जेएस फ्रेमवर्क टू क्रिएट यूआई। React क्या है, इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क टू क्रिएट यूजर इंटरफेसेस। दूसरा है, React इज यूज्ड टू क्रिएट स्पा एप्लीकेशन। एंड व्हाट इज स्पा, स्पा मींस सिंगल पेज एप्लीकेशन। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हमें क्या ध्यान रखना है रिएक्ट के बारे में, कि रिएक्ट यूजेस वर्चुअल डॉम, और डॉम का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो रिएक्ट के बारे में हमें सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट का यूजर इंटरफेस का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट के थ्रू आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, और रिएक्ट जो है इंटरनली वर्चुअल डॉम पे काम करता है। तो कैसे काम करता है, जब भी आप एप्लीकेशन लॉन्च करते हो तो रिएक्ट क्या करता है, रियल डॉम का एग्जैक्ट क्लोन बना के वो कहां रख देता है, रैम के अंदर रख देता है, वर्चुअल मेमोरी के अंदर रख देता है। एंड देन रिएक्ट में कुछ भी चेंज करना अगर आप करोगे तो वो एक्चुअल में चेंजेस कहां होते हैं, वो वर्चुअल डॉम के अंदर होते हैं, और वर्चुअल डॉम में जैसे ही चेंजेस डिटेक्ट होता है तो वो रिफ्लेक्शन कहां आ जाता है, आपके रियल डॉम पर आ जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहां ध्यान रखे हैं। ठीक है,
सो अब हमारे डायमेंशंस हमने लिख दिए हैं, अब हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने की. सो बूटस्ट्रैप आपको जो है इंक्लूड करना है, तो बूटस्ट्रैप इंक्लूड करने के लिए एनपीएम की वेबसाइट पे आप जाएं और यहां पर आप देखिए एनपीएम के दो हैं, ठीक है ना. एक में 5.00 अल्फा 1 लिखा हुआ है, तो जब भी किसी भी पैकेजेस में अल्फा लिखा हुआ आ जाए या बीटा लिखा हुआ आ जाए या गामा लिखा हुआ आ जाए, मतलब वो अभी फाइनल नहीं है, तो आप उसको फॉलो मत करना. जिसमें जिसमें भी आपको अल्फा बीटा गामा कुछ लिखा हुआ जाए तो वो वाला आप मत करना, तो मैं इसको बंद कर देता हूं. अब इस वाले में देखो कहीं से कहीं तक अल्फा अल्फा कुछ नहीं लिख रखा है, और वर्जन नंबर भी देखोगे तो उसमें 5.0.0 लिखा हुआ था, इसमें 5.0.1 लिखा हुआ है. इसका मतलब ये वर्जन जो है स्टेबल है, ये फाइनल हो चुका है, इसको आप प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं. सो बूटस्ट्रैप इंक्लूड करने के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं यहां पर आपको बता दूं, आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाना, getbootstrap.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर. इस वाले पर आपको क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पर, ठीक है ना. और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप getbootstrap.com पे जाइएगा. दो तरीके मैं बता रहा हूं बूटस्ट्रैप इंक्लूड करने के लिए. सबसे पहला तरीका और आसान है कि जो CDN लिंक है वो आप कॉपी कर लें. तो ये जो CDN लिंक आ रहा है CSS वाला, दो है, एक तो CSS का लिंक होगा और एक JavaScript का लिंक होगा. दो फाइलें आपको इंक्लूड करवानी है, ठीक है ना. तो मैं सबसे पहले तो CSS वाली फाइल को कॉपी करूंगा और आप अपने VS कोड के अंदर जावे, और आपको जाना कहाँ है, आपके जो आपका जो नोड आपका जो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप जाना है. पब्लिक फोल्डर के अंदर आप गए और उसके अंदर index.html नाम का की फाइल होगी. हमें अच्छी तरीके से पता है रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है, तो वो कौन सा पेज है जो कि फर्स्ट टाइम आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट जब आप npm स्टार्ट करते हैं तो वो लॉन्च होता है स्क्रीन पर, वो यही पेज होता है index.html. सो यही वो पेज है सिंगल पेज जो कि आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन में एंटायरली वर्क करता है, और इसी पेज के अंदर कंटेंट क्या होते हैं डायनेमिकली लोड होते हैं अनलोड होते हैं. सो इस वाले को ओपन करना है और इसको आप गौर से देखेंगे इस index.html को, तो ये सिंपल सा एक HTML का पेज है जिसमें ये देखिए ऊपर ऊपर डॉक टाइप HTML ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है. आपको क्या करना है कि हेड के अंदर जाके ये CSS वाला जो कोड है ये आपको पेस्ट करना है. सो ये मैं हेड का जो क्लोजिंग है, ये हेड का क्लोजिंग से पहले टाइटल के क्लोजिंग से पहले जाके आप कहीं पे भी इसको आप पेस्ट कर दें. सो मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ. ये देखिए मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करते ही मेरा इंडेंटेशन बिगड़ गया, इधर उधर कोड चला गया. तो आप राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट. जैसे ही फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो व्यवस्थित फॉर्मेट हो जाएगा. उसके बाद पहला काम तो ये हो गया कि आप जो है CSS का जो लिंक है, CSS की CDN फाइल है ना, CDN का क्या मतलब होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. तो जो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल वो आपको कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है, और बूटस्ट्रैप की जो JS फाइल है उसको कॉपी करना है पेस्ट करना है. दो फाइलें मिलेगी CSS की और JavaScript की. तो बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल आपने कॉपी करी और आप अपने इंडेक्स के अंदर आपने पेस्ट कर ली, और वो भी कहाँ करनी है, जगह भी आपको ध्यान रखनी है कि हेड के अंदर पेस्ट करनी है. हेड के अंदर कहाँ पर, हेड के अंदर जनरली कहीं भी कर सकते हैं, बट बेटर क्या है टाइटल से पहले, है ना. आप ये हेड तुरंत स्टार्ट हो रहा है वहां पे भी आप कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड क्या है टाइटल से जस्ट पहले आप करो, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है. बट हेड के अंदर आप कर तो कहीं पे भी सकते हैं, बट करना हेड के अंदर है, ठीक है ना. सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी है, वो टाइटल से पहले है. दूसरा बच रही है हमारी जो CDN लिंक बच रही है वो जावास्क्रिप्ट की बच रही है. तो जावास्क्रिप्ट की जो CDN लिंक बच रही है उसको आप कॉपी कर लें. अच्छा एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर सिर्फ एक ही जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है. बूटस्ट्रैप से पहले वाले वर्जन में 4 में एक्चुअल में तीन तीन फाइलें इंक्लूड करवानी पड़ती थी, जेक्वेरी की, पॉपर की, फिर बूटस्ट्रैप की मिनिमम JS फाइल. मगर उन सबको अब क्या कर दिया है, बंडल कर दिया गया है. बंडल मतलब कंप्रेस करके एक ही फाइल बना दी गई है, तीन फाइल की एक ही फाइल बना दी गई है. किस वर्जन में, 5 वर्जन में. तो आप देखिएगा जो फाइल आप कॉपी करेंगे उसका नाम ही उन्होंने क्या दे दिया, बूटस्ट्रैप डॉट
बंडल डॉट मीन डॉट जेस, बंडल का मतलब बंडल कर दी गई है, एक से ज्यादा फाइलों को कंप्रेस करके उनको क्या कर दिया गया है, बंडल कर दिया गया है, मिला दिया गया है और एक ही फाइल बना दी गई है। तो बूटस्ट्रैप 5 में हमें ध्यान रखना है कि बूटस्ट्रैप 5 में एक ही जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, दैट इज बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट मीन डॉट जेस, है ना। सो ये आपको कॉपी करनी है, यहां से ये आपने कॉपी कर ली। अब ये कहां पेस्ट करना है, ये आपको जाके जो है बॉडी के क्लोजिंग से पहले, CSS को कहां करना है, हेड के क्लोजिंग से पहले, और जावास्क्रिप्ट को कहां करना है, बॉडी के क्लोजिंग से पहले। देखो मेरा कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा है, अभी बॉडी के क्लोजिंग से पहले ब्लिंक कर रहा है, और यहां पर आपको कोड पेस्ट करना है। कोड पेस्ट करते ही अगर इंडेंटेशन आपका इधर उधर बिगड़ रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, VS कोड में राइट क्लिक करके आप क्या कर देवे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देवे। ये मैंने यहां पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया। अब सेव किया, और सेव करते ही आप यहाँ पर अगर आउटपुट देखेंगे तो देखिए थोड़ा बहुत डिजाइनिंग में हमारा फर्क आ रहा है, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लग रहा होगा कि चेंज हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। सो अब हम जाएंगे गेट स्टार्टेड में, गेट स्टार्टेड में जाएंगे और आप ये लेफ्ट पैनल पे आप कंपोनेंट्स में जाना, और कंपोनेंट्स में जाके आप अलर्ट्स में या फिर आप बटन्स में आप चले जाना, और ये बटन्स के ये इतने सारे एग्जांपल हैं बूटस्ट्रैप के, और ये बटन है बेसिकली। तो ये बटन आपने कॉपी किया, ठीक है ना, ये बटन्स आपने कॉपी किए, या आप कोई सा भी एक बटन कॉपी कर ले, जैसे ये मैं ब्लू वाला बटन कॉपी करना है तो ये प्राइमरी वाला कोड मैंने कॉपी किया, और इस बटन को मुझे भी अपने रिएक्ट के अंदर लाना है कहीं पर। तो आप देखिएगा कि ये पूरा जो पेज है ये एक्चुअल में एलिमेंट्स आ रही है एप डॉट जेएस के अंदर, एक चीजें लोड हो रही हैं, तो उस वाली फाइल में जाके आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम गए और पब्लिक फोल्डर से बाहर निकले, एसआरसी फोल्डर के अंदर गए, एसआरसी फोल्डर के अंदर एप डॉट जेएस नाम की फाइल है, और उसके अंदर देखिए कि ये लिखा हुआ है डिलीट। तो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पैराग्राफ को आप हटा देवे, है ना, और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया, और जैसे ही मैंने सेव किया और यहां पर आप ये देखो ऑटोमेटिकली मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो रिएक्ट जो है रिएक्ट क्या सपोर्ट करता है, हॉट रिलोडिंग। हॉट रिलोडिंग का मतलब है कि आपने जैसे ही कोडिंग में चेंज किया ऑटोमेटिकली ब्राउजर रिफ्रेश हो जाएगा। सो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, इसको मैंने यहां पर ये मिनिमाइज किया, कोडिंग में गया, इसको मैंने यहां पर किया। अब देखना, अब जैसे कि मैंने ये बटन एंकर एंकर हटाया, हेडर हटाया, और जैसे ही मैंने हटाया और ये हेडर भी मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है, सेव किया, देखो कुछ नहीं आ रहा है यहां पर, है ना। अब मैं यहां पर जाके और ये सारे बटन्स ले लेता हूं, ये सारे बटन्स मैंने यहां पर कॉपी किए, ये देखो ये आ गया, ठीक है, ये राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया मैंने, ये हो गया। तो किसी भी दो बटन्स को मैं यहां से अगर हटाऊं, ये लो मैंने हटाया, तो क्या मैंने यहां जाके रिफ्रेश किया, नहीं, ऑटोमेटिकली हो गया। तो रिएक्ट क्या सपोर्ट करता है, हॉट रिलोडिंग। हॉट रिलोडिंग का मतलब है कि एडिटर में जैसे ही आपने चेंज किया वो तुरंत ब्राउजर में क्या कर देगा, आपके चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर देगा। सो रिएक्ट जो है हॉट रिलोडिंग सपोर्ट करता है, आपको जो है रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकेस कभी नहीं हो तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, इनकेस कभी अगर ऐसा नहीं होता है कि रिफ्रेश नहीं हुआ है तो आप जाके उसको फिर मैनुअली रिफ्रेश कर देना, बट आपको 99% आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो रिएक्ट जो है आपका हॉट रिलोडिंग सपोर्ट करता है। सो यहां पर हम गए, इसको मैंने फुल स्क्रीन किया, और यहां पर भी हम गए, इसको मैंने फुल स्क्रीन किया। सो ये हमारा आ रहा है बेसिकली। अब जो है अब हम बूटस्ट्रैप में गए, और बूटस्ट्रैप में हम अमेज़न का जो हमारा पहला पेज है वो हम बनाने जा रहे हैं। तो हमें शुरुआत कहां से करनी है, हमें शुरुआत करनी है लेआउट से, ठीक है। सो लेआउट में हमारा सबसे पहली चीज आती है ग्रिड। बूटस्ट्रैप को ग्रिड समझना जरूरी है। तो बूटस्ट्रैप की ग्रिड में बेसिकली जो है वो 12 कॉलम्स पे काम करता है, ठीक है। आप मेरे लैपटॉप को अगर देखें तो इस लेफ्ट कोने से लेके राइट कोने तक कितने कॉलम्स होंगे, वर्टिकल कॉलम्स,
है ना, ऐसे वर्टिकल लाइंस आप कंसीडर करें, कितनी लाइंस या कितने कॉलम्स अवेलेबल होंगे, वो 12 होंगे। बूटस्ट्रैप कितने कॉलम सिस्टम्स पे वर्क करता है, वो 12 कॉलम सिस्टम पे काम करता है। भले ही आप बूटस्ट्रैप 5 पे काम कर रहे हो, 4 पे काम कर रहे हो, 3 पे कर रहे हो, 2 पे कर रहे हो, बूटस्ट्रैप के किसी भी वर्जन पे आप काम करो, डजंट मैटर, बट बूटस्ट्रैप जो वर्क करता है वो कितने कॉलम पे वर्क करता है, आपके 12 कॉलम पे वर्क करता है। तो जो है बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम हमें बनाना जरूरी है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप में जो है वो ग्रिड सिस्टम होता है। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो मुझे 3 चीजें लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से मैं इन सबको हटा देता हूँ अभी के लिए, और ये CSS फाइल को भी हटा देता हूँ, ये लोगों को भी हटा देता हूँ, यहाँ से लोगों को भी जरूरत नहीं है, ये जो डेव को जो क्लासेस दे रखी है इसको भी मैं हटा देता हूँ, है ना। और शुरुआत करते हैं इस डिव के अंदर से, ठीक है। तो इस डिव के अंदर से सबसे पहला एलिमेंट आपको क्या लेना है, वो आपको लेना है हेडर, हेडर का स्टार्ट, हेडर का क्लोज। फिर आपको दूसरा एलिमेंट कौन सा लेना है, वो फुटर लेना है, फुटर का स्टार्ट, फुटर का क्लोज। हेडर और फुटर के बीच में कौन आता है, मेन आता है, तो मेन का स्टार्ट, मेन का क्लोज नाम का कोई टैग HTML के अंदर डेफिनेशन में है ही नहीं। मेन का स्टार्ट और मेन का क्लोज नाम का कोई टैग होता है ही नहीं। फुट हेडर का स्टार्ट, हेडर का क्लोज नाम का टैग होता है, फुटर का स्टार्ट, फुटर का क्लोज टैग होता है, मेन का स्टार्ट, मेन का क्लोज कोई टैग होता ही नहीं है, इसलिए हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। आप इसकी बजाय आप क्या यूज करेंगे, डिव लेवेंगे, और डिव को आप जो है यहाँ पर क्या दे देवे, एक क्लास दे देवेंगे, और उस क्लास का नाम आप क्या दे देवे, मेन दे देवे। बट आप जो है आप अपनी खुद की क्लास दे रहे हो, तो आप अपने नाम से प्रिफिक्स कर लो, आपका नाम अनिल है तो ए अंडरस्कोर मेन नाम से आप प्रिफिक्स कर लो, आपका नाम दीपक है तो डी अंडरस्कोर मेन, किसी भी नाम से आप प्रिफिक्स कर लेते हो। ये प्रिफिक्स लगाने से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये प्रीडिफाइंड क्लास है कि ये मैंने बनाई थी। जहां पे भी मुझे ए अंडरस्कोर दिख जाएगा तो मैं ये अनुमान लगा लूंगा कि ये मेरी खुद की बनाई हुई क्लास है। तो ये एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सी प्रीडिफाइंड क्लास है और कौन सी मैंने बनाई थी। तो मैंने एक जो है क्लास बनाई ए अंडरस्कोर मेन नाम से, और इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। सो ये देखिए, अब यहाँ पर जाने के बाद जो है हमें CSS लिखना पड़ेगा। तो अब CSS कहाँ लिखें हम, तो CSS लिखने के लिए वापस से आप अंडू कर लेना एक बार, ये अंडू मैंने यहाँ पर किया, और वो जो CSS फाइल आ रही थी उस CSS फाइल को रहने देना, और यहां पर हम गए और अपनी जो है हेडर फाइल लिया, हेडर का स्टार्ट, हेडर का क्लोज। फिर हेडर के बाद क्या लेना है, डिव का स्टार्ट, डिव का क्लोज, और क्लास क्या देना है। और जब भी हम रिएक्ट में काम करेंगे तो क्लास इक्वल टू नहीं देना है, क्लास नेम देना है। क्यों, क्योंकि क्लास नाम का जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास कैसे बना सकते हैं, क्लास कीवर्ड के थ्रू। तो ये यहाँ पर क्या है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट करता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, क्लास नेम देना पड़ेगा। और यहाँ क्लास नेम मैंने क्या दे दिया, ए अंडरस्कोर मेन। उसके बाद आपके यहाँ पर क्या दे दे, फुटर दे दे। उसके बाद ये app.css फाइल के अंदर आप अपना CSS लिख सकते हो। app.css कहाँ पर है, ये रही, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ लिखी हुई CSS फाइल है, हमारे काम की नहीं है, सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट कर दिया, पहले से लिखी हुई CSS फाइल हटा दी, हमें तो अपनी लिखना है। तो अब मैं सबसे पहले टारगेट करूंगा किसको, हेडर को। हेडर का विड्थ लेने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट विड्थ ले लेता है, बाय डिफॉल्ट विड्थ ले लेता है। जैसा अभी 1366 था ना, ये 1366 था ना, तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है, वो विड्थ ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो विड्थ कभी नहीं लिखना है, ध्यान रखना, विड्थ कभी नहीं लिखना है, ओनली हम क्या लिखेंगे, हाइट। हाइट कितनी चाहिए, 99। सो मैंने यहाँ 99 क्या किया, 99px। यहाँ पर ध्यान देना है कि 99 और px के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, दोनों को एक साथ लिखना है px। उसके बाद यहाँ पर आप बॉर्डर दे दो। सो यहाँ पर मैंने बॉर्डर लिखा 1px डैश्ड, और यहाँ पर मैंने लिखा रेड, है ना, ये तीन वैल्यूज स्पेस दे के लिखनी है। सो यहाँ पर हम गए और आप अपने ये देखिए, यहाँ पर रिफ्रेश मैंने किया और ये देखो ये है, ठीक है। उसी तरीके से हेडर हो गया। अब मेन लेना है, तो मेन हमें कितने बाय कितने का लेना है, 4818 का, ठीक है। तो यहाँ पर गए और यहाँ पर टारगेट करेंगे किसको, डेव, जिसकी क्लास क्या है, ए अंडरस्कोर मेन है,
ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं div डॉट एमएल, और शॉर्टकट में आप क्या लिख सकते हो, डॉट एमएल, div डॉट एमएल लिखोगे तब भी सही हो और डॉट एमएल लिखोगे तब भी सही हो। मैं सिर्फ डॉट एमएल लिखना इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि मुझे div नहीं लिखना पड़ रहा है, मुझे कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, और मैं ज्यादा कोड नहीं लिखूंगा, कम कोड में अपना काम कर दूंगा, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे ये बेनिफिट होगा कि मेरी एप्लीकेशन लाइट वेट बनेगी। जितना ज्यादा कोड लिखूंगा उतना नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगे, उतना नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगे तो एप्लीकेशन का जो फाइल साइज है वो भी बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमें वो टेक्निक यूज करनी चाहिए जिससे कि आपका जो फाइल साइज है एप्लीकेशन का वो कम होते जाए। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट वे यूज करेंगे जिसमें आप सिर्फ डॉट एमएन लिखेंगे। डॉट एमएन का मतलब हो गया आपका जिसकी क्लास एमएन है, तो जिसकी क्लास एमएन है उस पर मुझे हाइट कितना चाहिए, उस पर हाइट मुझे 4818px चाहिए, और उस पर मुझे बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर अभी हम टेम्पररी दे रहे हैं, ये बाद में हटा देंगे, अभी सिर्फ टेम्पररी दे रहे हैं। सो ये मैंने यहाँ पर लिखा डैश्ड और यहाँ पर मैंने दे दिया ब्लू, लास्ट में सेमी कोलन देना है, सेव किया, और ये देखिए ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल भी आ गया हमारे पास। अब लास्ट क्लास में हमें क्या चाहिए था, फुटर चाहिए था। मैं अगेन फुटर को टारगेट करूंगा यहाँ पर, ये यह हमारे सिलेक्टर हैं, सीएसएस के सिलेक्टर हैं, इसको मैंने टारगेट किया। हाइट यहाँ पर हम देंगे, हाइट हमें कितना देना है नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर इसको पहले से ही मैंने नोटपैड के अंदर लिखवा लिया था कि जब हम उसको डिजाइन करने बैठेंगे ना तब बार बार मुझे फोटोशॉप में जा जा के मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप मेजरमेंट करके नोटपैड फाइल में या अपनी कॉपी के अंदर लिख के रख लो, जब आप कोड कर रहे होंगे फटाफट डायमेंशन देखे ने अपना काम कर लिया। तो बेटर है कि आप है ना नोटपैड के अंदर पहले से ही डायमेंशन आप लिख के रख लो। सो जो फुटर के हैं वो 227 हाइट है, यहाँ पर हम कोड में गए और 227 यहाँ पर मैंने पिक्सल दिया और यहाँ पर मैंने बॉर्डर दे दिया 1 pixel डैश्ड, यहाँ पर मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल ग्रीन दे दिया और सेमीकोलन लगा दिया लास्ट में, और मैंने इसको जो है रिफ्रेश किया। तो आप गौर से देखिए ये यहाँ पर आपको डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाला मुझे रेड वाला डैश्ड दिखाई दे रहा है, नीचे मुझे ब्लू वाला डैश दिखाई दे रहा है, और सबसे लास्ट वाले में मुझे ग्रीन वाला डैश्ड दिखाई दे रहा है। तो बेसिक स्केलेटन हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। फिर भी हम यहाँ पर अब जाके देख लेते हैं कि हमें कलर्स कौन कौन से लेने हैं। तो कलर्स लेने के लिए आप थोड़ा सा पैन करें, इसको जूम इन करें, ये देखो मैं जूम इन कर रहा हूँ, और जूम इन करो और जूम इन करो। अब हेडर के अंदर एक्चुअल में 2 color दिखाई दे रहे हैं, मगर इस पूरे हेडर को के कलर को एक बेस कलर से फिल करना पड़ेगा, या तो वो बेस कलर ये वाला मानो या फिर वो ये वाला मानो। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो है डार्क ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है इसको बेस कलर मानना ज्यादा बेटर रहेगा बजाय कि इसको, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेस कलर किसको मान रहे हो, मतलब इस पूरे हेडर को किस कलर से फिल करना है ये आप डिसाइड कर लो। आप इस कलर से भी फिल कर सकते हो और इस कलर से भी फिल कर सकते हो। तो मैं डिसाइड करता हूं कि इस कलर से फिल करना है। तो यहाँ पर एक आई ड्रॉपर टूल होगा, और आई ड्रॉपर टूल आपको नहीं पता है कैसे एक्टिवेट करना है, ये रहा आई ड्रॉपर टूल, इसका एक शॉर्टकट है आई। जैसे आप आई प्रेस करोगे तो वो आई ड्रॉपर टूल फोटोशॉप में एक्टिवेट हो जाएगा। आई ड्रॉपर टूल का मतलब ये होता है कलर आप पिक कर लो, जैसे कलर पिक करोगे तो वो आपको वैल्यूज बता देगा कि इस कलर की ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं। तो जैसे ही मैंने आई प्रेस करके मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये यहाँ पर देखो इसका कलर आ गया। तो जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये बॉक्स खुला और ये 13, 19, 21 यही वो हेक्स वैल्यू है जो कि हमें क्या करनी है, यूज करनी है। तो इस हेक्स वैल्यू को मैंने यहाँ पर कॉपी किया और मैं अपने कोड में गया और वीएस कोड में गया और हेडर वाले कोड के अंदर जाके मैं अब यहाँ पर क्या यूज करूंगा, बैकग्राउंड डैश कलर यूज करूंगा और हैश लगाना है और पेस्ट करना हैश 13, 19, 21। ये जो है मेरा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल कलर कोड हो गया बैकग्राउंड कलर किसका, हेडर का। अब जैसे ही मैं ये सेव करूंगा और आप आउटपुट जाके देखोगे तो आपको जो है आपको वो कलर दिखाई देगा जो एग्जैक्टली चल रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा ओवरऑल सारे कलर्स को आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो अब जाके हम बात करें कि हमारा जो मेन है, मेन में ये कलर आ रहा है, ये कलर कौन सा है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके पता चलेगा। तो मेन एरिया का कौन सा कलर है, तो मेन एरिया में हम जाते हैं थोड़ा सा, ये आप यहाँ पर जाके ये इस कलर पर आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो देखो क्या आ रहा है, EA ED ED। इस कलर को मैंने कॉपी किया और मैं अपने मेन पे जाऊंगा, ये रहा मेरा मेन, और इसमें भी जाके मैं यहाँ पर क्या कर लूं, बैकग्राउंड और हैश पेस्ट। तो दो तरीके, या तो बैकग्राउंड कोलन
कलर लिख दो या बैकग्राउंड डैश कलर लिखो, दोनों कर सकते हैं, बट बेटर कौन सा होगा ये, क्योंकि इसमें कम लिखना पड़ रहा है, कम लाइन में मेरा काम हो रहा है, तो मेरे लिए और आसान रहेगा, एप्लीकेशन लाइट वेट बनेगी। तो मैं एक एक बार दोनों करके बता रहा हूँ, दोनों में आउटपुट आ रहा है, तो फिर बाद में आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा वे चलना है। तो जैसे ही ये किया तो देखो अब वाइट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सेपरेशन आपको दिखाई देगा फुटर के केस में। ये देखो ये मेन का कलर है और ये फुटर में कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है मतलब व्हाइट है, तो ये व्हाइट आ रहा है। अब फुटर में अभी आप डिसाइड कर लो कि फुटर में कौन सा कलर आपको चाहिए, तो फुटर में हम डिसाइड कर लेते हैं क्यों ना यही कलर दे दें जो हेडर में था, फिर बाद में ये दो स्ट्रिप्स हम अलग से बना लेंगे, है ना। सो वो कि वही कलर दे देते हैं। तो यहाँ पर हम गए, इसी लाइन को मैंने कॉपी किया, इसी लाइन को कॉपी किया और मैंने फुटर के अंदर भी पेस्ट कर दिया। और बेटर है कि बैकग्राउंड डैश कलर बोलने की बजाय ओनली बैकग्राउंड कोलन कलर बोलो, ताकि क्या है कम से कम डैश कलर नहीं लिखना पड़े और कम से कम लाइन में हमारा कोड हो जाए। ये जैसे ही मैंने सेव किया, आउटपुट में गए, ये देखिए ये मेरा पूरा फुटर आ रहा है, मेन आ रहा है और हेडर आ रहा है। इस तरीके से जो है हमारा एक बेसिक स्केलेटन अभी थोड़ा सा बेसिक बना है, ये अभी बेसिक है, मगर एक दिन वो दिन भी बहुत जल्द आएगा कि जिस दिन आप एनपीएम स्टार्ट करोगे और आपको ये दिखाई देगा और हर एक बटन्स, हर एक वर्क सब कुछ काम कर रहा होगा। तो बेसिकली जो है इस तरीके से आप स्केलेटन किसी भी पेज का, आप बेसिक एचटीएमएल सीएसएस और बूटस्ट्रैप की मदद से आप उसका स्केलेटन प्रिपेयर करते हो और धीरे धीरे उसको डिजाइन करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको जो है गिट पे अपलोड करना बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपना गिटहब अकाउंट पे आप जाइए और आपको गिटहब अकाउंट पे आपको लॉग इन करना है। मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है मेरी आईडी से, मेरी आईडी अनिल डॉलर है, तो मैंने लॉग इन किया हुआ है। आपको इस प्लस बटन पे क्लिक करना है या न्यू पे क्लिक करना है। प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो वो बताएगा न्यू रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी का मतलब होता है प्रोजेक्ट, कोई सा भी नया प्रोजेक्ट आपको करना है। तो यहाँ पर मेरा ये क्या है, अमेजोन नाम का प्रोजेक्ट है, ये अवेलेबल है। सो ये यहाँ पर मैंने किया और इस प्रोजेक्ट को मैं पब्लिक कर रहा हूँ और रीड मी कर रहा हूँ और क्रिएट रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया, ये मेरी रिपोजिटरी बन गई। ये कोड पर गए, ये मैंने कॉपी किया, अब यहाँ पर ये गिट का यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं अपने टर्मिनल पे आऊंगा और टर्मिनल पे ऑलरेडी मेरे एक टर्मिनल पे मेरा रिएक्ट का एप्लीकेशन चल रहा है, उस टर्मिनल को डिस्टर्ब मत करना, इस प्लस पे क्लिक कर लेना तो दूसरा टर्मिनल वापस इसी के अंदर, आईडी के अंदर ओपन हो जाएगा। दो दो टर्मिनल चल रहे हैं आपके, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो दूसरे टर्मिनल जो कि ब्लैंक है उसके अंदर करना, और ध्यान रखना है कि आप प्रोजेक्ट से बाहर हो, है ना। तो ये आप देखिए कि मैं अमेजोन फोल्डर के अंदर हूँ। यहाँ से सबसे पहला काम क्या है, गिट को इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो गिट इनिट आप जैसे ही करेंगे तो गिट इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने गिट इनिट किया, गिट इनिशियलाइज हो गई, फिर आपको करना है गिट रिमोट एड ओरिजिन और वो गिट का यूआरएल आप पेस्ट करें। ये मैंने गिट का यूआरएल पेस्ट किया, फिर आपको करना है गिट एड डॉट, फर्स्ट टाइम वार्निंग एरर आ रही है, वापिस एक बार आप क्या कर ले, गिट एड डॉट, फिर गिट कॉमिट करना है आपको, ये गिट कॉमिट डैश एम, और यहाँ मैसेज में आप V1 दे दें, वर्जन फर्स्ट, ये हुआ। और यहाँ पर आप लिखे गिट पुश ओरिजिन और मास्टर, यहाँ पर आपको इसको पुश करने से पहले आप गिट स्टेटस चेक कर लेवे, सो ये आ रहा है, ठीक है। और इसको आपने लिखा गिट पुश ओरिजिन मास्टर, अब जैसे ही गिट पुश ओरिजिन मास्टर कर रहे हैं तो ये कुछ एरर बता रहा है। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि मैंने जो है मास्टर ब्रांच की बजाय मेन ब्रांच क्रिएट कर दिया था, तो मेरे केस में मैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर की जगह मेन करूंगा, बट आपको आपके केस में मास्टर ही करना है। जैसे ही गिट पुश ओरिजिन मास्टर करोगे तो आपका जो सोर्स कोड है वो गिटहब पे अपलोड हो जाएगा। मेरे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट पुश ओरिजिन मेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारा जो चेकआउट है वो मेन ब्रांच पे कर रखा है। So, जैसे ही मैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर करूंगा, अगेन मेरे को वार्निंग दिखा है, तो वार्निंग को स्किप करने के लिए मैं डैश डैश फोर्स कर दूंगा, फोर्सफुली मुझे मेन ब्रांच पर मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने कमांड चलाई है गिट पुश ओरिजिन मेन, तो इससे क्या होगा कि मेरे लाइव सर्वर पर फर्स्ट जो डिफॉल्ट ब्रांच है मेन,
उसी ब्रांच पर मेरा सोर्स कोड अपलोड होगा और मुझे सेटिंग्स में जाके ब्रांच चेंज करके मास्टर ब्रांच चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेरा पूरा के पूरा सोर्स कोड जो है वो आपको जो है मेन ब्रांच पर ही दिखाई देगा। सो यहाँ पर देख लेते हैं, और ये थोड़ा अपलोड होने में टाइम लगाएगा। वो इसीलिए टाइम लगाएगा क्योंकि जो मेरे टेम्पलेट्स हैं कम से कम टेम्पलेट ही 14 MB के हैं, तो पहले तो ये टेम्पलेट अपलोड करेगा फिर सोर्स कोड अपलोड करेगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। सो ये वीडियो, ये जो हमारा सोर्स कोड है ये अपलोड हो गया है। सो यहाँ पर आप देखिए मेन टू मेन, सो मेरे जो लोकल सोर्स कोड पड़ा हुआ है उसकी मेन ब्रांच से लाइव सर्वर की मेन ब्रांच पे कॉपी हो गया है, अपलोड हो गया है। सो मेन टू मेन बता रहा है, आपके केस में क्या बताएगा वो मास्टर टू मास्टर बताएगा। सो यहाँ पर मैं आपको जाके बता दूँ मेरा गिटहब अकाउंट पर, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर पूरा सोर्स कोड ये दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए मेरी इंस्ट्रक्शन फाइल, टेम्पलेट्स है ना, टेम्पलेट्स में सारे पेजेस, और ये अमेजोन फोल्डर पे वापस से मैं यहाँ पर गया, अंदर जाके आप देखेंगे इसके अंदर तो डेफिनेटली सारा सोर्स कोड आपको मिलेगा।